मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेकंड, चैप्टर 4। कल हमने आपको रीडिंग करवाई थी माँ की ममता का मोल। आज आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 26 पे जाइए, और बुक के साथ साथ आपको पेंसिल भी निकालनी है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ ज्ञान का। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, आशु को कौन सा होमवर्क करने में मुश्किल आ रही थी? कौन सा काम करने में मुश्किल आ रही थी उसको होमवर्क? अंग्रेजी का, हिंदी का या गणित का? तो बच्चों टिक लगाइए सेकंड के ऊपर हिंदी का। हिंदी पे टिक लगाइए। चलिए क्वेश्चन है, सोचो डैश के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी है। तो बच्चों देखिए, धरती, बादल, आसमान, क्या आएगा इसमें? बादल। ओके बच्चों, क्या आएगा इसमें? बादल। मम्मी खुशी खुशी बनाने बैठ गई। आप सभी बच्चों ने रीडिंग बुक की होगी, तो सभी को क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। तो देखिए, पूरी, मिठाई, दही बड़े। खुशी खुशी क्या बनाने बैठ गई थी मम्मी? दही बड़े। आया था ना चैप्टर में, मिंकी ने अपनी मम्मी से कहा, दही बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे स्कूल में लेके आई है एक लड़की, अर्षिता। ओके बच्चों, तो उसकी मम्मी कहती है मैं बना दूंगी, और उन्होंने क्या बनाया? दही बड़े। माँ में किसका रूप नजर आता है? चैप्टर में आया ना, भगवान का, दोस्त का, नानी का। तो क्या आया है? भगवान का। ओके बच्चों, तो चलिए पेज नंबर 27 पे जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मम्मी आशु की मुश्किल कैसे दूर कर देती है? पढ़ा ना आपने, मम्मी आशु की मुश्किल चुटकियों में दूर कर देती है। नेक्स्ट देखिए, मिंकी की इच्छा को मम्मी ने कैसे पूरा किया? मिंकी की इच्छा को मम्मी ने दही बड़े बना के पूरा किया। आ गया सबको? तो सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में भी करना है, स्कूल जाने से पहले मम्मी तुम्हारे किन किन कामों में मदद करती है, पता है ना आपको? तो स्कूल जाने से पहले मम्मी हमें लंच बॉक्स बना के देती है, खाने का टिफिन बना के देती है ना, आपको तैयार करती है, आपके बस स्टॉप तक पहुंचाती है आपको। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें मम्मी क्यों अच्छी लगती है? तो ये आपको खुद को लिखना है। इसमें आया ना कि मम्मी हमारा ध्यान रखती है, मम्मी छोटे बड़े सारे काम में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, भाषा ज्ञान, उचित उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। सही है पे सही पे लगाना है। तो देखिए, अच्छे, भले। अच्छे का मतलब क्या होता है? भले या बुरे? भले। भले पे टिक लगाइए। ज्यादा, ज्यादा मीन्स क्या होता है? अधिक। ज्यादा मीन्स होता है अधिक, तो अधिक पे टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। मुश्किल को क्या कहते हैं? कठिनाई। कठिनाई के ऊपर जाइए, टिक लगाइए। आसमान को क्या कहते हैं? आकाश। सहायता को मदद, चीज, वस्तु। टिक लगाते जाइए मेरे साथ साथ। फिर आपको अपनी नोटबुक में आपको लर्न करना है एंड राइट लिखना भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं।
जो पुरुष जाति होती है ना उसका ज्ञान कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए दिए गए शब्दों के सही पुल्लिंग शब्द गोले में से छांट कर लिखिए। माता, ये देखो गोला बना हुआ है ना, इधर देखिए बच्चों ये गोला बना हुआ है, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, तो माता का पिता आ जाएगा, रानी का राजा आ जाएगा, बहन भाई शेरनी और शेर। तो पिता क्या है, पुरलिंग है, भाई पुरलिंग है, राजा पुरलिंग है, शेर पुरलिंग है, माता बहन रानी शेरनी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। ओके बच्चों, देखिए अब क्वेश्चन 6, का अथवा की लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। मम्मी खालिस्तान है, मुस्कान मीठी थी, तो मम्मी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो क्या लगेगा, मम्मी की मुस्कान मीठी थी। ख में देखिए निक्की, ये क्या है, लड़का है, तो क्या करेगा, निक्की का बस्ता भारी था। पेज पलटिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए शब्दों की सहायता से अपनी मम्मी को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों देखो ये दिए गए शब्द हैं, हल रहा रही चुटकियों, बता करता करती अच्छी पत्र। तो देखिए दिए गए शब्दों की सहायता से अपनी मम्मी को एक पत्र लिखिए। प्यारी मम्मी, या लिख सकते हो मेरी प्रिय मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। इसमें से हम क्या छाटेंगे, जो सही इसमें सेंटेंस बनेगा, अच्छी है, आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हो। फर्स्ट में देखिए अच्छी भरी, सेकंड में चुटकियों में, थर्ड में हल। यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर लड़का है तो वो लड़के लड़का की छात्र है ना, तो छात्र की भाषा में लिखेगा, और छात्रा है तो छात्रा, यहाँ छात्रा लिख रही है अपनी मम्मी को। ओके बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और जोर जोर से बोल के आपको लिखना है और याद भी करना है। ओके बच्चों।